الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم वल्लामै तस्ना साम महतरम उस की तारीफ जिस रबलानबली क्राम ने मुझे और आपको दीन इस्लाम की शादत से मालामाल फरमाया और इस्लाम खालिस को सुनने समझने और हतलमकदर उस पर अमल की तोफीक बख्शी बैदू लखों का अनगिन दरुद सलाम हो रहत कुल कायनत फ़ख्र मौजूदात सरवर गिरामी जनाब महमद रसूल अलैहि वसल्लम की शख्सियत मतहरा और محمد كما صليت महम्मद ابراهيم मल तब्राहीम इब्राहिम انك हमीदुम मजीद اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी तारीफ और तौसीफ के बाद एक छोटा सा अमल जो मुझ पर और आप पर फर्ज है जिसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने यह पैगाम दिया है ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतल मा उहिया इलैका मिनल किताब आप किताब को तिलावत कीजिए और नमाज कायम कीजिए बेशक नमाज बुराइयों से रोकती है यह पांच फराइज इस्लाम में से एक अहम फरीजा बड़ी मुश्किल से दस मिनट का टाइम लगता है लेकिन जानते हैं दस मिनट का वक्त कितना कीमती है एक हदीस के जरिए मैं आज इस हकीकत को आपके सामने بتوفيق الله پیش کرنے کی کوشش کر رہا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله ربي عز وجل يوم القيامة أين جيراني أين جيراني أين جيراني, جيراني فتقول الملائكة يا ربنا من جارك اليوم فقال أين عمار المصاجد अल्लाह अकबर व अहमद फी मुसनद ही मुसनद अहमदल के हदीस क्यामत का दिन जिस दिन हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी खुद कुरान मजीद ने उस मंजर को बड़े प्यारे अंदाज से पेश किया है योम यफिरुल फ़िरमर उमिन अख़ी व उम ही व अबी वह साहिबती वनी लेकुल जिस दिन आदमी अपने माँ से अपने बाप से अपने भाई से अपने अजीज वक़ारब से सबसे भागेगा और हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी जब तक सांस है तब तक आस है जब तक मेरे और आपके रिश्तेदारियां हैं सोचो जिस दिन से अम्बिया कराम खौफ खाते थे वाला वला बन अल्लाह मुझे उस दिन रस्वा न कर जिस दिन तो लोगों को उठाएगा जिस दिन मार और औलाद काम नहीं आएगी नबी अक्रम वसल्लम जैसी शख्सियत बिस्तर पर आते तो कहते अल्लाह मकिन आजाक यौमा तब आसो इबादक अल्लाह मुझे उस दिन के आजाब से बचा जिस दिन तो लोगों को उठाएगा क्यामत का दिन जहां आज वही बाप जो अपने औलाद से हद से ज्यादा मोहब्बत करता है कभी बच्चों की मोहब्बत में कभी तबीयत की थोड़ी सी नाजाजगी पर कहता है मौलाना क्या बताऊँ बच्चों की तबीयत नासाज थी इसीलिए ऑफिस नहीं जा सका इसीलिए नमाज में हाजिर नहीं हो सका इसीलिए दिल नहीं कह रहा है मेरा बच्चे की तबीयत नासाज है कितना रहम दिल बाप होता है कभी यही शोहर होता है तो अपनी बीवी पर कितना मेहरबान होता है बीवी की मोहब्बत में माँ और बाप के प्यार को तक ठुकराता है ख़ानदान को ठुकराता है बीवी की मोहब्बत में जानते हो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कितना प्यारा नक्शा खींचा है यवुल मुजरिम, जिस दिन मुजरिम चाहेगा लो यफ्तदी मिना अज़ाब यौम यौम इम बिबनी, मुजरिम चाहेगा उस दिन के अज़ाब से बचने के लिए अगर बाप मुजरिमों के सब में हैं आज मेरे पास डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड कोई और वसाइल नहीं है कि मैं अपने दामन को बचा सकूं ए रब्बुलमीन मेरे सामने मेरी औलाद खड़ी है इनमें से एक एक को पकड़ पकड़ कर जहन्नम में भेज दे इसलिए कि इनकी तालीम और तरबियत इनके डेवलपमेंट के लिए इनकी शादी ब्याह के लिए इनके दुख और सुख के लिए अरे इनकी ज़िंदगी को संवारने के लिए मैं अपनी आखिरत को बर्बाद किया आज मेरी औलाद मेरे सामने है मेरे एक एक बच्चे को जहन्नम में भेज दे और मेरी हिफाजत फरमा दे अल्लाह में बहसीयत शोहर बीवी के लिए नाजो नखरे इसके लाड़ और प्यार इसके हुसन अदा और इसकी कैफियतों ने कभी मेरी माँ से माँ की ममता से दूर किया कभी मेरे बाप से दूर किया कभी मेरे खानदान से दूर किया मेरी बिरादरी से दूर किया मैं इसका शोहर हूँ ये मेरी बीवी है इसको जहन्नम की आग में भेज दे इस तरीके से अपने करीबी आलाई करीबी रिश्तेदारियों को पेश करेगा सोचो लेकिन उस दिन कौन आएगा कौन साथ देगा मैं और आप दिन के 24 घंटों में से जिनके 24 घंटों में से तेईस घंटे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बीवी बच्चों की खातिर नौकरी चाकरी के लिए बिजनेस के लिए दीगर वसाइल के लिए सिर्फ एक घंटा रब के नाम अब यही वो वक्त कीमती वक्त है जो अल्लाह की बारगाह में काम आएगा जिस हदीस को मैंने पेश किया है खादिम रसूल हज़रत अनस बिन मालिक हदीस के रावी हैं मुसरत अहमद बिन अम्बल की रिवायत हैं नबी अकरम वसल्लम ने फरमाया क़ियामत का दिन होगा अल्लाह तबारक तआला अपने ख़ास लोगों को याद करेगा और मेहमान के हैसियत से वो कितने खुश नसीब रहेंगे जो रब के मेहमान होंगे रब उनका मेज़बान होगा वो कितने खुशनसीब होंगे अम्बिया औलिया अतकिया सारी कायनात इंसानी की सफ़ों में से अल्लाह किसी को तलब करेगा तो अल्लाह ताला कहेगा यकुल्लह रबलियामियामत के दिन मेरा और आपका रब कहेगा ए न जी रानी ए न जी रानी कहाँ है मेरे पड़ोसी कहाँ है मेरे पड़ोसी कहा है मेरे पड़ोसी वेर इज़ माई नेबर मेरे नेबर कहाँ है कौन है अल्लाह को मालूम है उसके नेबर कौन है अल्लाह को मालूम है उसके पड़ोसी कहाँ है किस पोजिशन में है किस जगह पर है अल्लाह ताला अपने मेहमान, अपने गेस्ट अपने नेबर अपने खास आदमी कैसे अल्लाह उसको तलब करेंगे फरिश्ते फरमाएंगे, या रबलाई का तो या रबा न मन जारु का लिओम फ़रिश्ते फ़रमाएंगे हमारे रब आज तेरे पड़ोसी बनने का शर्फ किसको मिलने वाला है वो कौन खुशनसीब इंसान है जिसको तू आज गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहता है तो अपना पड़ोसी बनाना चाहता है एजाज़ इक्राम से सरफराज करना चाहता है वो कौन खुश नसीब इंसान है तब अल्लाह फरमाएंगे ए मसाजिद, मस्जिदों को आबाद करने वाले सोचो दस से पंद्रह मिनट का वक्त एक नमाज के लिए लिखता है साथियों अजीज़ों साम मोहतरम आप अपने इन कीमती लम्हा को जो फराइज हैं दस साल की उम्र के बाद एक टाइम की नमाज भी माफ़ नहीं है हर गिज़ गाफिल ना रहे बीवी बच्चों के लिए जो कुछ मैं और आप कोशिशें कर रहे हैं सब दुनिया में धरी की धरी रह जाएगी ये दस मिनट का वक्त मैं और आप जो रब के लिए दिन में पाँच टाइम दस दस मिनट के एहसास में पूरे दिन में बड़ी मुश्किल से एक घंटा जो दे रहे हैं यही वक्त कबर की तारीखी में काम आएगा मैदान मशर में काम आएगा यही वक्त मुझको और आपको एजाज़ रब्बानी अताए रब्बानी से सरफराज फरमाएगा लिहाजा पंज नमाज के आदि बनिए अपने बीवी बच्चों को भी इसको आदि बनाने की कोशिश कीजिए अल्लाह मुझे और आपको उसने आमल की तोफ़ी दे अल्लाह ताला मेरे और आपके नेक इरादों को पूरा फरमाए अल्लाह ताली मुझे और आपको नेक और एक बनकर जीने की तोफ़ी अता फ़रमाए रब्बना तकबल मिल्कन तस्मिन वालक तबाबर برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم